एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर टू में जो है दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने लेक्चर 6 आपको प्रोवाइड कर चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और दोस्तों, यदि उसे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। उसमें दोस्तों जो है कि हमारा 2.2 प्रश्नावली उसमें समाप्त कर दिया गया है। और आज दोस्तों 2.3 प्रश्नावली जो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है मतलब जिसे गुणोत्तर माध्य के नाम से जानते हैं उसकी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग अपना जो है दिमाग एकत्र करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर 2 फार्मूले लिखे गए हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आपके क्वेश्चन है कुछ, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद बताते हैं कि गुणोत्तर माध्य कहते किसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं पहले। यदि 3 पदों के गुणनफल दिए हो, ठीक है दोस्तों, यदि 3 पद दिया हो, कहा हो कि 3 पदों का गुणनफल इतना है, गुणनफल का माध्य ऐसे करके, ठीक है, 3 पदों का गुणनफल इतना है, तो वो 3 पद क्या मानेंगे, ए अपान आर कामा ए कामा ए आर मानेंगे, ओके दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, और दूसरे कंडीशन में यदि 4 पद के गुणनफल दिए हो तब के लिए क्या करेंगे, 4 पद जब पूछा हो तब ए अपान आर क्यूब कामा ए अपान आर कामा ए आर कामा ए आर पे क्यूब ये मान लेंगे। आई होप दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब बता देते हैं कि गुणोत्तर माध्य कहते किसे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसी को यही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक पार्ट है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। और ये सूत्र यही से निकलेगा, गुणोत्तर माध्य से, ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं गुणोत्तर माध्य ना निकालना है। देखिए, मानते हैं कोई गुणोत्तर श्रेणी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ए हुआ, जी हुआ, कामा भी हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारे गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी मान लिया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ए कामा जी कामा बी गुणोत्तर श्रेणी है। तो दोस्तों एक चीज आप जानते हैं, ये पहला क्या है, प्रथम पद होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें किसकी जरूरत है, कॉमन रेशियो मतलब आर की जरूरत है, ठीक है दोस्तों, जिसे सार अनुपात कहते हैं। तो आर बराबर दोस्तों होता क्या हमारा, देखिए, यदि इन दोनों में देखा जाए तो प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तो द्वितीय पद बटे प्रथम पद होता है ना, आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, इतना हो जाएगा इसका। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसे प्रथम पद माने इसे द्वितीय पद माने तब दोस्तों क्या होगा, इसका इसे देखिए समीकरण एक मान लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों में देखें तो प्रथम पद यह हुआ, द्वितीय पद यह हुआ, तो इसका सार अनुपात याद करेंगे दोस्तों, तो देखिए बी बटे जी हो जाएगा कि नहीं, समीकरण 2, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, देखिए ये भी आर के बराबर, ये भी आर के बराबर, मतलब जी अपान ए और आपसे डिवाइड हो जाएगा, तो तुलना में दोस्तों बराबर किसके हो जाएगा, बी अपान जी के, इतना समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके बराबर कितना लिख सकते हैं, देखिए इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल करेंगे ए बी का, ए का बी में गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जी स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो कॉलिंग में हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया। अब देखते हैं, अब यहाँ यही से निकलता है हमारा क्या दोस्तों, गुणोत्तर माध्य निकल गया, ठीक है ना। तो दोस्तों किसी का भी कहेगा यदि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो दोस्तों देखिए गुणोत्तर माध्य किन्हीं दो राशियों के गुणनफल का, ठीक है ना, किन दो राशियों के गुणनफल का वर्गमूल होता है, ठीक है, उसे हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं, ठीक है ना, किसी दो राशियों के गुणनफल के वर्गमूल को हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं, ये हमारा गुणोत्तर माध्य बराबर निकल गया। आई होप दोस्तों आपको ये डिफिनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए इसे हम लोग रफ करते हैं, और जो है इसे पहली बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एक बार मतलब दोहरा लीजिए ताकि अच्छे से याद रहे, ठीक है ना, और इसे उतार लेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन में आपका प्रयोग होगा ये, ठीक। तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें और क्वेश्चन इसी के बेस पे बताएं आपको। तो दोस्तों चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से अच्छे समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि हम आपको आपके ही लैंग्वेज में अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमारा, 3/2 तथा 27/2 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, ओके दोस्तों, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया है 3/2 तथा 27/2 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए इनके बीच पूछा गुणोत्तर माध्य, तो पहले यहां पर लिख लेंगे 3/2 तथा
27/2 के बीच गुणोत्तर माध्य बराबर। ठीक है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य बराबर आपको बताया अभी अभी कि गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, दो राशियों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। यहाँ पर देखिए दो राशियां दी हुई हैं, तो पहले इन्हें क्या करेंगे, दो राशियों का गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर लेते हैं दोनों राशियों का। देखिए 27/2, ठीक है दोस्तों, इनका क्या करें, गुणनफल का क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए, अब ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए 27 रूट लगाइए, 27 81 2 2 4 इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए 81/4 है, ठीक है, 81 का देखिए दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, 9 9 81 होता है, ठीक है ना दोस्तों, 81 आ जाएगा, नहीं देखिए बाहर आ जाएगा, और ये 2 2 4 मतलब 2 का वर्गमूल 4 होता है, तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 9 8 4, दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें और इससे भी बढ़कर क्वेश्चन लग जाए। तो दोस्तों देखिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य निकालें। अब इस कंडीशन में सवाल पूछेगा तब कैसे लेगा, 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य निकालें, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए 160 और 5 के बीच कर रहे हैं, तब मान लेते हैं, माना 4 गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है ना, तो माना 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य, 4 गुणोत्तर माध्य मान लिया दोस्तों क्या, G1, G2, G3, G4 है, ठीक है दोस्तों, G4 है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको मान लेंगे, इतना अपने से मान लेंगे, ठीक है ना, 4 का था, देखिए 4 मान लिए हम लोग, ठीक है ना, इन दोनों के बीच पूछा था, देखिए 160 और 5 के बीच, 160 और 5 के बीच इतना मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे बन जाएगा, इसके बीच मान रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, G1 लिखिए, फिर G2 लिखिए, G3 लिखिए, G4, लास्ट वाला पद क्या है, 5 है, इतना ऐसा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब इसमें जो है दोस्तों देखते हैं दिया क्या है, हमें मिलेगा क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ए बराबर इसमें क्या मिलेगा दोस्तों, प्रथम पद 160 हो गया, इतना समझ गया। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए एन बराबर कितना दिया, मतलब टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब एन बराबर 6 पद है हमारे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें जो लास्ट वाला पद है जिसे आप टीएनवा पद दर्शाते हैं, तो देखिए टीएनवा पद बराबर दोस्तों कितना दिया हमें, लास्ट वाला जो 5 है, 5 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर टीएनवा पद नहीं लिखेंगे, देखिए एन का मान क्योंकि हमें पता है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 6 रख देंगे यहाँ पर, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब दोस्तों एक चीज आप जानते हैं, टीएनवा पद बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए टीएनवा पद बराबर फार्मूला क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का, देखिए होता हमारा ए आर के पावर एन माइनस वन, इतना होता है। तो दोस्तों देखिए यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए टी 6 बराबर सीधे याद कर लेते हैं क्योंकि एन का मान यहाँ पर हमें दिया है 6, इक्वल टू ए का मान दोस्तों क्या है, 160 है, 160 इंटू में आर लिखेंगे, आर का मान नहीं पता है तो आर लिख दिए, ऊपर एन माइनस वन, एन का मान 6 माइनस वन कर देंगे दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसका मान हमें कितना पता है, 5 पता है, ठीक है, तो यहाँ पर 160 इंटू दोस्तों आर के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों ये जो दिया है इसके पावर 5 है, तो देखिए यहाँ पर r बराबर क्या निकलेगा, ठीक है ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर r बराबर क्या निकलता है हमारा, r हुआ इतना, तो दोस्तों जो है देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, 5 बराबर 160 इंटू आर के पावर कितना है, एक घट जाएगा 6 में से, तो 5 बच जाएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए आर के पावर 5 बराबर यदि निकाले, तो देखिए यहाँ 5/2 यहाँ पर गुणा करेगा तो भाग करेगा 160 इक्वल टू आर पे 5, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, देखिए 5 3 15 बचा 1 5 2 10, मतलब 1/32, 1/32 बराबर आर के पावर 5, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए आर के पावर 5 है, इसे भी 5 के घात में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, 1/2 के पावर ऐसे 5 कर सकते हैं कि नहीं, देखिए 1 का
फाइव बार मतलब वर्क करेंगे क्या होगा, फाइव ही होगा। दो का फाइव बार पढ़ेंगे, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस, पांच बार दो का गुणा करेंगे आपस में तो बत्तीस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल किए आर के पावर फाइव, देखिए घात घात सेम ही है, इसका मतलब आर बराबर दोस्तों कितना हो गया, देखिए घात घात इसके तो मिल गया सेम, तो आर बराबर देखिए आधार आधार देख लेते हैं, आर बराबर क्या है एक बटे दो है कि नहीं, तो एक बटे दो हो गए यहाँ पर दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखते हैं दोस्तों इतना होने पर यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः गुणोत्तर माध्य चार पद है ना, अतः गुणोत्तर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य, ठीक है दोस्तों चार पदों का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, देखिए पहले के लिए मतलब जीवन के लिए, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आप उनको जो व्यापक रूप बताएं, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का जो है क्या था दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, श्रेणी का एक बार और बता दे रहे हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है, पहले पद के लिए क्या लिखते हैं ए लिखते हैं, दूसरे पद के लिए ए आर लिखते हैं, ये आपको बताएं कैसे आता है दोस्तों, दो बार बताएं, तीसरे पद के लिए ए आर स्क्वायर लिखते हैं और चौथे पद के लिए ए आर पे क्यूब लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे रहेगा पांचवें पद के लिए ए आर पे फोर लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो इसी पे बेस पे रखेंगे, देखिए हमें पहला पद ज्ञात करना मतलब जीवन यहाँ पर ज्ञात करना है ना, लेकिन पहला नहीं है यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर हमारा श्रेणी बना है ना, देखिए पहला पद 160 है, दूसरा पद जीवन है ना, तो दूसरा पद मतलब जीवन ज्ञात करेंगे तो क्या है, देखिए दूसरा पद ज्ञात करें, दूसरे पद में क्या यूज करेंगे ए आर ज्ञात करेंगे, मतलब ए आर, ए का मान दोस्तों क्या है देखिएगा ध्यान से, ए का मान 160 आया है, इसके बराबर लिखेंगे 160 गुणे आर का मान दोस्तों 1/2 है, 1/2 करेंगे देखिए 2 से काटेंगे 80 आ जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए तो 80 हो जाएगा, इतना समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या निकालेंगे दूसरे पद को मतलब जी टू को, तो इसका फॉर्मूला देखिए दूसरे तीसरे पद है ना यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीसरे पद के लिए क्या लगता है 1 2 3 ये वाला ए आर पे स्क्वायर बराबर क्या जाएगा दोस्तों, ए का मान 160 है गुणे आर का मान दोस्तों क्या दिया है, आर का मान हमारा दिया है 1/2, लेकिन स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 160 गुणे 1/2 दोनों 4 हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 4 × 16 मतलब 40 आ गया 40, इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से दोस्तों अब हम लोग कौन था चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं 3 वाला, ठीक है। चौथा पद के लिए क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए ए आर पे क्यूब लग जाएगा, ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या निकलेगा ध्यान दीजिए, ए का मान 160 हो गया गुणे आर का मान दोस्तों 1/2, लेकिन यहाँ पर क्यूब किया था यहाँ पर कर देंगे क्यूब इक्वल टू 160 गुणे 1/5, देखिए 2 × 4 × 8 होता है, 8 से डिवाइड कीजिए 8 × 16 मतलब 20 आ गया 20, ठीक है दोस्तों 20 निकल गया। अब ज्ञात कर लेते हैं 5 वाले पद का मतलब G4 का मान, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 5 वाले के लिए क्या लिखेंगे a into r के पावर 4 लिख देंगे वहां पर, ठीक है ना, a r के पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए a का मान 160 है, 160 रखें गुणे r का मान दोस्तों 1/2 था, 1/2 यहां का रखें, इसके पावर 4 है तो 4 लगा दिए इक्वल टू देखिए 160 गुणे a का मान, देखिए a का 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के पावर कितना हो भी रहा है, ठीक है, 2 का करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 आ जाएगा, देखिए 16 16 या 16 × 16 मतलब 10 आ गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 आ गया। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला गुणोत्तर माध्य कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर रहे थे, पहले के लिए 40 80 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे अतः 80 40 20 10, दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा जहां तक हम दोस्तों अपने से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि इसे रफ करें और अगले क्वेश्चन को बताएं। तो दोस्तों चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। यदि a कॉमा b कॉमा c कॉमा d गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि, देखिए क्वेश्चन दिया a के पावर n प्लस b के पावर n कॉमा b के पावर n प्लस c के पावर n कॉमा c के पावर n प्लस d के पावर n गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, ये कुछ अलग ही टास्क का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कैसे वाला क्वेश्चन है, देखिए यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, इतना हमें दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी में देखिए प्रथम पद तो दिया है, इस सब में आर का मान मतलब कॉमन रेशियो के मान से इससे हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी को। तो देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या कहते हैं, दूसरे वाले पद में प्रथम पद से भाग देते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो निकलता है आर बराबर,
देखिए इन दोनों में केवल देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो पहला पद या दूसरा पद है, दूसरे पद में पहले पद से भाग देंगे क्या हो जाएगा, बी बटे हो जाएगा, कॉमन रेशियो को मान इक्वल हो जाएगा किसको दोस्तों, टोटल का हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये पहला या दूसरा हो गया, ठीक है, पहला पद दूसरा पद, तो अब इसमें ये पहला पद दूसरा पद ये हो गया, तो इसमें क्या कॉमन रेशियो आएगा, सी अपान देखिए दूसरे में पहले से भाग होता है बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल कर देंगे किसके। अब देखिए इसको पहला माने इसको दूसरा माने, तो दूसरे में पहले से भाग होता है कॉमन रेशियो के लिए, तो बी अपान सी हो जाएगा। कितना समझ में आया आप लोगों को, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए हमें इसके पास एन के पद में लाना है, तो दोस्तों देखिए यदि यहाँ पर हम लोग बी के पावर एन बटे ए के पावर एन टोटल में, ठीक है दोस्तों टोटल के पावर एन लगा दो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिए, तो सी के पावर एन भी मान सकते हैं, बी के पावर भी एन मान लें, ठीक है, बराबर डी के पावर एन मान लें, सी के पावर भी एन मान लें। इतना समझ में आया, अब देखिए दोस्तों इसलिए मान लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर एन है, इतना करने के बाद क्योंकि दोस्तों देखिए ये भी गुणोत्तर श्रेणी में है, सिद्ध करना तो है, ठीक है ना, ये भी गुणोत्तर श्रेणी, देखिए ये इतना मान लिया हम लोग एन है, ठीक है दोस्तों, पावर मान लेते हैं एन लिया तो एन मान लिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए एक समानुपात का नियम होता है हमारा, समानुपात के नियम से, ठीक है दोस्तों, समानुपात के नियम से, तो दोस्तों देखते हैं समानुपात का नियम कहता क्या है। देखिए ध्यान से, समानुपात का नियम ये कहता है जब दो पद आपस में बराबर हो तो वो दोनों आपस में क्या होता है, मिल के मतलब योग बना लेते हैं। देखिए ये जैसे है बी के पावर एन प्लस हो जाएगा यहाँ पर सी के पावर एन हो जाएगा, बट्टे में ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, इतना समझ में आया। अब देखिए दोस्तों इसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों पद के बीच में हम लोग समानुपात निकाले इतना है। अब देखिए अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, देखिए इसलिए इक्वल लगा दी इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के पावर एन प्लस बी के पावर एन अपान में बी के पावर एन प्लस सी के पावर एन, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या हुआ, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, देखिए सभी पद और घात सभी समान है, ठीक है ना, तो इसे लिख सकते हैं बी के पावर एन प्लस सी के पावर एन का होल स्क्वायर, देखिए सेम है इसका तीर गुणा हुआ, इक्वल टू इसका यहाँ पर गुणा हुआ, इसका देखिए आधार सेम नहीं है तो इसके अलग कर लीजिए, इसको मान लीजिए क्वेश्चन में लिखिए ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, दूसरे क्वेश्चन में सी के पावर एन प्लस डी के पावर एन, इतना समझ में आया दोस्तों। इसलिए क्या है देखिए ये इसके बराबर इतना है, ठीक है ना, तो इसलिए क्या कर देंगे इसको दोस्तों, इसीलिए ये क्या है हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है, देखिए यहाँ पर यही आ जाएगा आपका, ठीक है ना, बी के पावर एन कामा बी के पावर एन प्लस सी के पावर एन कामा सी के पावर एन प्लस डी के पावर एन, क्या है दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है, ये दोस्तों हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है, वैसे दोस्तों फिलहाल में ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ठीक है दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे हम रफ करें और आगे बढ़े। तो दोस्तों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देख लेते हैं, जो कि दोस्तों ये हमारा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको जो है दोस्तों अच्छे से देखिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन फिलहाल जितना आसानी होगा उतना आसान में हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या एक्स कामा वाई तथा जेड ये इतना क्या है दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तथा एक्स प्लस वन कामा वाई प्लस सिक्स और जेड प्लस थ्री जो है ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 26 हो तो एक्स कामा वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों, एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना है, जो कि इतना जो भाग दिया है एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में और एक्स प्लस वन वाई प्लस सिक्स और जेड प्लस थ्री ये हमारे समांतर श्रेणी में, इतना ध्यान रखिएगा अच्छे से रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या हम, ठीक है, तो देखिए संख्या एक्स कामा वाई तथा जेड दिया है, ठीक है, जो कि है गुणोत्तर श्रेणी, तो इसको करते हैं, देखिए मान लेते हैं पहले एक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या है दिया है, दिया है, इतना कर लेंगे और ध्यान दीजिएगा, जब गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो हम आपको बताए हैं कि जब गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो इसका माध्य कैसे निकलता है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए जो बीच वाला पद है उसी का गुणोत्तर माध्य हमेशा निकलता है, ध्यान दीजिएगा बीच वाले पद का हम लोग गुणोत्तर माध्य निकलता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ का कॉमन रेशियो निकाल के निकाल लेते हैं, मतलब इसके बटे इसको लिखेंगे फिर इसके बटे इसको लिखेंगे
फिर उनका तुलना करेंगे दोनों समीकरण से तो उसी प्रकार आएगा, ठीक है ना। फिर गुणोत्तर मान क्या आता है, वाई होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। बीच वाला पद तीन राशियों में, बीच वाला पद जो होता है हमारा गुणोत्तर मान कहलाता है, इसके इक्वल टू क्या होता है, दोनों राशियों के गुणनफल का वर्गमूल होता है, मतलब एफ जेड का क्या हो जाएगा, वर्गमूल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यदि वर्गमूल को हटाया जाए तो यहाँ पर हो सकता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, इतना आने के बाद दोस्तों देख लेते हैं, तथा ये क्या है, समांतर सरणी में, तो लिख लेंगे क्या है, एक्स प्लस वन कामा वाई प्लस सिक्स कामा जेड प्लस थ्री क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है तो इनका भी हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक है ना। ये समांतर श्रेणी है तो समांतर माध्य निकालेंगे। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हम आपको थोड़ा सा आसान करवा दे, देखिए एक्स प्लस ए है ना, तो इसीलिए ए मान सकते हैं कुछ समय के लिए, वाई प्लस सिक्स है तो बी मान लीजिए, और जेड प्लस सिक्स है तो इसे सी मान लीजिए, सेम मान लीजिए, इसी तरह का ये उत्तर गया हमारा, ठीक है ना। देखिए इसका हम समांतर माध्य निकाले तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों समांतर माध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, समांतर माध्य में डिफरेंस निकालते हैं ना, मतलब कॉमन डिफरेंस जिसे समांतर कहते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी बराबर होता है क्या, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, ठीक है ना। समांतर बता रहे हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी का, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का बता रहे हैं। देखिए समांतर डी बराबर कितना हुआ, इसे समीकरण एक माने। अब इन दोनों में देखेंगे पहला पद या दूसरा पद, तो इसे देखिए दोस्तों, इसमें डी बराबर क्या निकला, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो दोस्तों क्या बचाइए, इसे समीकरण दो मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण एक व दो से देखेंगे तो देखिए बी माइनस ए आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस बी के, इतना समझ में आया। अब देखिए बी है ना, बी हुआ, इस बी को इस पक्ष में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू सी है, इसको इस पक्ष में ले जाएंगे दोस्तों तो माइनस में ए हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये टू बी बराबर इसे ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना हो सकता है, नहीं हो जाएगा ना, देखिए दोस्तों इतना हो गया 2b बराबर a प्लस c, ठीक है। तो देखिए ये b कौन सा है, b देखिए बीच वाला पद है कि नहीं, तो इसमें भी मान लेते हैं b वाला पद क्या है, बीच में, ठीक है। तो देखिए b वाला पद बीच में, मतलब 2b लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणे b का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए y प्लस सिक्स, इतना कर सकते हैं, इक्वल दिया तो इक्वल कर दिए, ठीक है। अब देखिए a का मान, a का मान मतलब ये है, देखिए पहला a का मान ये है, a का मान x प्लस सिक्स वन है, इतना कर दिए। अब प्लस में किया तो प्लस में कर दीजिए। अब क्या था, सी का मान रखने के लिए, सी का मान क्या है, जेड प्लस थ्री, मतलब जेड प्लस थ्री रख दीजिए, देखिए सी का मान यही है ना, तो सी का मान यहाँ पर जेड प्लस थ्री रख दिए, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे हम रफ कर देते हैं, देखिए ये हो गया हमारा रफ। अब देखिएगा ध्यान से, इतना होने के बाद इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा करेंगे टू वाई प्लस छह दूना बारह इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस जेड प्लस थ्री, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा 2y है ना, यहाँ पर देखिए 2y, x को इस पक्ष में लाइए माइनस में x हो जाएगा, इस पक्ष को z को लाइए इस पक्ष में तो माइनस में z हो जाएगा, इक्वल टू ये 12 को इस पक्ष में ले जाएंगे, पहले देखिए ये प्लस में एक है, एक उतारिए, प्लस में तीन है इसी को उतार लीजिए, अब 12 प्लस में तो इस पक्ष में जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा, इक्वल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमें बचेगा 2y माइनस x माइनस z इक्वल टू देखिए तीन है चार, चार देखिए चार घटाएंगे माइनस बारह में से तो बचेगा कितना, माइनस आठ बचेगा, इतना समझ में आया। देखिए दोस्तों आठ से बारह होता है, ठीक है ना। देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इतना होने के बाद दोस्तों एक काम करिए ना, देखिए इसको जो है हम लोग इस पक्ष में ले आते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए मान लेते हैं इसको क्या है, इस पक्ष में ले जाते हैं, इस वाले पक्ष में, इसको इस वाले पक्ष में लाते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए, ठीक है ना। देखिए इसे मान लीजिए इस पक्ष में ले गए, पहले मान लीजिए माइनस एक्स को उस पक्ष में ले गए तो मान लीजिए प्लस में हो जाएगा, इस पक्ष में गया तो किसमें हो गया, प्लस में हो गया, इसको भी उस पक्ष में ले गए तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इस पक्ष में ले जा रहे हैं तो प्लस में हो गया, ये इस पक्ष में जाएगा तो देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब टू वाई, इतना समझ में आया। अब देखिए ये तो इसी पक्ष में है बाहर वाले में, तो क्या है माइनस आठ है, लेकिन इसको क्या करें इस पक्ष में ला रहे हैं, मतलब इस बगल एट हो जाएगा, नहीं देखिए पक्ष बदल दिए हैं, ठीक है ना, पक्ष बदल दिए तो ये सिंपल एट जो है प्लस में हो गया और ये वाला क्या है इसमें आ गया, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए दोस्तों इसमें आप करेंगे क्या, देखिए हमें लगता है आप लोगों को कंफ्यूजन है थोड़ा, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखिए इसको इस पक्ष में लाइए, एट प्लस में हुआ, अब ध्यान दीजिएगा ये देखिए यहाँ पर माइनस एक था तो इस पक्ष में गया तो कितने हुआ, प्लस में हो गया, ये माइनस माइनस में टू वाई होगा नहीं, प्लस में है तो ये देखिए माइनस में जेड प्लस में जेड होगा नहीं, इतना आप समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इसके बराबर इतना हमें जब ज्ञात हो गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर छब्बीस, ठीक है, उसको वहां से उतार लेंगे, मतलब प्रश्न से, प्रश्न से
उतारने में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, जेड है दोस्तों 26, ठीक है ना। अब दोस्तों इसे समीकरण एक मान लेते हैं, ऊपर वाले को इसे दो मान लेते हैं, कहेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है दोस्तों। एक में से दो को घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, एक ऊपर वाला है मान लेते हैं, एक ऊपर वाला है, देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए क्या दिया, ध्यान दीजिए, x दिया ना, x लिखिए माइनस टू वाई लिखिए, क्या दिया प्लस जेड दिया, प्लस जेड इक्वल टू दोस्तों कितना है, एट है ना, तो एट लिख दीजिए, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए एक्स है प्लस वाई कर दिए, ठीक है, प्लस जेड है तो प्लस जेड कर दीजिए इक्वल टू 26 के, इतना हुआ। घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, प्लस है तो माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस है तो प्लस करते हैं, इतना हुआ। देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएगा मतलब, ठीक है ना, और इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, दो एक तीन वाई, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस ये भी घट जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू किसके हो गया, यहाँ पर देखिए बड़े के सामने माइनस है, माइनस उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस 26 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 18 बचेगा, ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 6 18, तो y बराबर 6 आया कि नहीं दोस्तों, इतना आ गया। अब देखिए ये y का मान जो है, इसे देखिए यहाँ पर जो है ये वाले में, ठीक है, यहाँ पर एक दो समीकरण तो मान दिए, फिलहाल यहाँ पर तीन मान दीजिए, चलिए ठीक है ना, हम उल्टा मान दिए फिलहाल। या फिर एक काम करिए दोस्तों, यहाँ पर एक मान लीजिए क्योंकि बेस से लगा रहे हैं ना, तो इसे मान लीजिए दो है, इसे मान लीजिए तीन है, तो यहाँ पर लिख देंगे दो में से तीन को घटाने पर, ठीक है ना, इतना हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, नहीं सीधे लिख दे रहे हैं, 6 का वर्ग कर दे रहे हैं, y का वर्ग है तो 6 का वर्ग कर दिए, 6 × 36 इक्वल टू एक्स जेड के, इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए लिखेंगे समीकरण तीन से, ठीक है ना, समीकरण तीन से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर दोस्तों क्या निकलेगा, जेड माइनस, ये देखिए 26 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, एक काम करिए देखिए एक्स प्लस जेड कर लीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें वाई का मान पता है, ठीक है ना, इसलिए एक्स प्लस जेड कर लेते हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 है ना, तो 26 लिखिए, इस माइनस वाई को इस पक्ष में भेजिए, प्लस में वाई है तो माइनस में वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस जेड इक्वल टू 26 है ना, 26 लिखिए, माइनस वाई, वाई का मान क्या है दोस्तों, 6 है ना, तो 6 लिखिए, 26 में 6 जाएगा 20 बचेगा, एक्स प्लस जेड बराबर 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे देखिए इसमें हम एक काम कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं समीकरण 4 लिख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 4 मान लिए, यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ मिलेगा हमें, समीकरण 4 है ना, तो देखिए यहाँ पर यदि निकाले एक्स बराबर क्या निकलेगा, 20 माइनस जेड निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा ना, इसे यहाँ पर मान के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब करते हैं एक काम, देखिए समीकरण 4 से करते हैं, समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समीकरण 4 का वर्ग कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 20 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पक्षों का कर रहा है ना, ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा हमें, देखिए ये स्क्वायर है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है ना, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। एक और क्या होता है दोस्तों, अभी ध्यान दीजिए, ए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस 4ab होता है, ठीक है। दूसरा हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे हम लोग दोस्तों, ये वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर तक क्या हो जाए, ए की जगह पर x दिया तो x, b की जगह पर 2 दिया यहाँ पर, तो माइनस 2 नहीं जो दोस्तों यहाँ पर जेड है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी देखिए जेड है, तो जेड का स्क्वायर प्लस क्या किया है 4ab, 4 लिखे, a का मान x है गुड़े b का मान जेड है, तो जेड लिख दिए इक्वल टू किसके है, 20 का वर्ग 20 देर करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा हमारा, इतना हुआ। अब देखिए इसे रफ कर दे रहा है, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ठीक है ना, देखिए अब क्या हुआ, इतना हुआ ना, देखिए x माइनस जेड, x माइनस जेड का स्क्वायर प्लस दिया है, प्लस 4xz है ना,
4xz का लिए इतना समझ आया, इक्वल टू कितना है दोस्तों 400 इतना हुआ। अब देखिए x माइनस z है, x माइनस z का स्क्वायर प्लस 4 है 40 के गुणे xz का मान हमें दोस्तों पता है, देखिए 36 है ना, यहां पर 36 किए इक्वल टू 400, ये समझ में आया। अब देखिए ये इतना है, इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे, अभी x माइनस z का होल स्क्वायर प्लस एक काम करेंगे इसके इक्वल कर दीजिए, यहाँ पर 400 है 400 लिख दीजिए, इसको इस पक्ष में ले लेते हैं सीधे, ठीक है, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 4 गुणे 36 ये है ना, ऐसे उतारने तो x माइनस z का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस इसका पूरा करिए 6 6 24, हाथ में 2 4 के 12 2 14 144 x माइनस z का स्क्वायर इक्वल टू 400 में से 144 घटाएंगे दोस्तों कितना होगा, देखिए 10 में से 4 या 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 में से, 9 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 3, 3 में से बच जाएगा 2 बच जाएगा, इतना समझ गया। अब देखिए x माइनस z का होल स्क्वायर करेंगे, यही है ना, देखिए होल स्क्वायर तो स्क्वायर हटा देंगे यदि तो क्या है, ये इतना हमारा भाग कड़ी में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं अब कड़ी में होगा बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, तो x माइनस z इक्वल टू कितना हुआ, ये देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है, क्योंकि दोस्तों 16 का गुणा 16 में करेंगे तो 256 निकल आएगा हमारा, ठीक है ना, तो देखिए तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इतना हुआ, अब करेंगे देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करेंगे दोस्तों, देखिए x का मान ये इतना है ना यहाँ पर, तो यहीं से मान लीजिए इससे जो है ये समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 से, ठीक है दोस्तों समीकरण 5 से देख लेते हैं, तो देखिए x की जगह पर कितना लिखा जाए 20 माइनस जेड, तो x की जगह पर 20 माइनस जेड लिख दीजिए, और ये माइनस जेड तो पहले से है, ये माइनस जेड उतार दें प्लस बराबर 16 के, इतना हुआ 20 माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा मतलब माइनस 2z हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 16 के, इतना समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस 2z है, माइनस 2z इक्वल टू 16, ये प्लस में 20 है तो इस पक्ष में जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा इक्वल टू, देखिए 20 में से 16 घटाएंगे मान लीजिए माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 2z, इतना समझ में आया, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 4 मतलब जेड इक्वल टू 2 2 4 मतलब 2 आया, जेड बराबर 2 दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए जेड का मान जो है दोस्तों ध्यान दीजिए, जेड का जो मान है ना किसी में भी आप रख देंगे, ठीक है ना, तो आपका क्या हुआ मान संक्षेप में निकल जाएगा, ध्यान दीजिए 2 4 तो आप समीकरण 5 में ही रख दीजिए, देखिए जेड का मान हम सोच रहे हैं यहाँ पर लिख दें, ठीक है ना, देखिए जेड का मान समीकरण 5 में रखने पर दोस्तों देखिए क्या आएगा, समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा समीकरण 5 यही है, जेड का मान रख रहे हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स है, तो एक्स तो उतार लिए, ठीक है, इक्वल की इक्वल हो गया, 20 है ना, तो यहाँ पर 20 लिख दिए, ये भी समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए 20 समझ में आया, माइनस हुआ ना यहाँ पर, माइनस लिखे, जेड का मान दोस्तों कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 रख दिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20 में से 2 जाए 18 18 आ गया हमारा, ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा मान क्या निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे अतः एक्स बराबर दोस्तों 18, y बराबर दोस्तों देखिए y बराबर हम लोग यहाँ पर कहाँ रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 रहे थे ना, यहाँ पर देखिए y बराबर 6 है, 6 लिख देंगे, और दोस्तों z बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 2 है तो 2 लिख देंगे दोस्तों, ये हमारा दिस इज द आंसर, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि हमने जितना आसान हो सकता था उतने आसान से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, तो हमें भरोसा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, अब दोस्तों इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों, ठीक है, एक लेक्चर वही लास्ट रहेगा, उसके बाद जो है हमारा ये गुणोत्तर माध्य समाप्त हो जाएगा, ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे कि जहाँ तक है दोस्तों यदि मंजिल की खोज करनी है मतलब मंजिल पानी है यदि अपनी, तो उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी बने, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, तो उससे ना आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है, जिस दिन आप अपने पर्सनैलिटी को छोड़कर अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान देना शुरू कर दिए, ठीक है ना दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।